वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। माइसेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर थर्ड। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नेम हमारा क्या है? मार्केट असेसमेंट। हिंदी क्या है? विपणन या बाजार मूल्यांकन। तो आज चैप्टर थर्ड का फुल चैप्टर डीलिंग होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि जो चैप्टर छोटे होंगे उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दूं। तो सेम है, चैप्टर थर्ड आपका छोटा चैप्टर है चैप्टर सेकंड की तरह। तो चैप्टर थर्ड के सारे टॉपिक्स को आज मैं यहीं पर कंप्लीट करने वाली हूँ। ये वीडियो में चैप्टर थर्ड हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं हर एक टॉपिक्स को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा है? मीनिंग ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट। हमने चैप्टर सेकंड में पहले पढ़ा था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। अब उसको साइड करते हुए हमें चैप्टर थर्ड में क्या पढ़ना है? व्हाट इज मार्केट एनवायरनमेंट, ठीक है? हिंदी क्या है कि बाजार वातावरण का अर्थ। हमने वातावरण पढ़ा था, ठीक है, व्यवसायिक वातावरण पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है कि बाजार वातावरण होता क्या है। तो एक सेंटेंस में समझिए, मार्केटिंग मतलब क्या? सबसे पहले हम जानते हैं मार्केटिंग क्या। तो मार्केटिंग में बहुत सारे काम्स आते हैं, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उस प्रोडक्ट को सप्लाई करवाना अलग अलग जगह पे, बहुत सारे बीच में आदमी होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, फिर कस्टमर तक पहुँचता है, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएं। इतने सारे स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग में, और वैसे फैक्टर्स जो कि आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हिंदी में वो सारे घटक जो कि आपके वातावरण पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, और वो मार्केटिंग यानी बाजार में होने वाले काम, मार्केटिंग में किए जाने वाले वर्क्स पे प्रभाव डालते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? मार्केट एनवायरनमेंट। एग्जांपल समझिए कि आपका मार्केटिंग है, ठीक है, मार्केटिंग में आप बहुत सारे काम करते हो, ठीक है, मार्केटिंग में बहुत सारे काम्स होते हैं, अब वो ऐसे फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट में पहले ही से हैं और आपके मार्केटिंग पे अफेक्ट डालते हैं, वैसे काम जो कि मार्केट में किया जा रहा है उस पर प्रभाव डालने वाले घटक आपके पर्यावरण में ही होते हैं, उसी पर्यावरण को क्या बोलते हैं? बाजार वातावरण, इंग्लिश में मार्केट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? मार्केट इन्वायरमेंट मीन्स फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग सॉर्किंग आउटसाइड एंड अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट्स। क्या वैसे सारे फैक्टर्स, ठीक है, किस पे अफेक्ट डाले? अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे अफेक्ट डाले। आगे क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स विथ इट्स टारगेट कस्टमर्स, ठीक है। जो आपने सोचा कि मैं इन कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगा, उसके लिए आप काम किए जा रहे हो, और वो सारे चीज़ जो कि आपको काम में प्रभावित कर रहे हैं, आपके वर्क पे अफेक्ट डाल रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में ही उपस्थित होते हैं, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे घटक, उसी एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? मार्केट एनवायरनमेंट। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन? कि बाजार वातावरण से तात्पर्य उन बाहरी शक्तियों से होता है जिनका संबंध बाजार प्रबंध की क्षमता को वांछित उपभोक्ताओं के साथ विकसित करने में होता है। मैंने तो बोला वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। मैं हर एक को डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से डेफिनेशन लिखना है अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठ के आते हैं तो। एंड बता दूं कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, जो मैं वीडियो में बताऊंगी क्वेश्चंस उसी टॉपिक्स में से आएंगे। तो आपको सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, आपको तो पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आ जाए, तो एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए चलेंगे आगे ताकि एग्जामिनेशन में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मेरी गारंटी है कि क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है। सेकंड टॉपिक क्या है? हमारा खुद चैप्टर का नेम है मार्केट असेसमेंट यानी बाजार मूल्यांकन। अब हमें सेकंड टॉपिक जानना है कि मार्केट असेसमेंट क्या होता है, टॉप चैप्टर का नेम है, ठीक है, बाजार मूल्यांकन क्या होता है। तो असेसमेंट मतलब क्या, मूल्यांकन मतलब क्या, कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसको ध्यान से देखना कि आप वर्क कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, आप शुरू में क्या करोगे, अंत में क्या करोगे, बीच में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, उसको क्या बोलते हैं? मूल्यांकन करना। मतलब कोई भी चीज़ को ढंग से करना, तरीके से करना, उसके बारे में ज्ञान लेकर काम करना, नॉलेज अच्छे से कलेक्ट करके काम करना को क्या बोलते हैं? मूल्यांकन करना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मार्केट मूल्यांकन मतलब क्या। अब किसी भी एंटरप्रेनर को बाजार यानी मार्केट मूल्यांकन करते समय, मार्केट असेसमेंट करते समय, बाजार मूल्यांकन करते समय बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। अब हमें वो स्टेप्स पढ़ना है, वो स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, एन एंटरप्रेनर मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। बाजार मूल्यांकन करते समय
एक साहसी को निम्न को ध्यान में रखना होगा, मतलब बाजार मूल्यांकन करते समय एक साहसी को जो काम करना होता है, जिस चीज़ पर ध्यान देना होता है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन चीज़ पे, मतलब सिंपल लैंग्वेज समझिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बाजार मूल्यांकन में आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट असेसमेंट में आते हैं। तो फर्स्ट है डिमांड। अब किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखना होता है कि मार्केटिंग में क्या चल रहा है, अभी आजकल लोगों का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की पसंद क्या है, ताकि आप उस डिमांड के अनुसार अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। एग्जांपल समझिए, पहले टॉर्च का काफ़ी डिमांड था, पॉकेट टॉर्च का, बहुत सालों पहले, कुछ साल पहले, बहुत मत जाइए, कुछ साल पहले, 10 साल 20 साल पहले जाइए, पॉकेट टॉर्च काफ़ी बिकता था। अब उसका डिमांड कम हो गया है क्योंकि सबके पास फ़ोन आ गया है एंड फ़ोन में एप्लीकेशन पहले से होता है टॉर्च का, तो डिमांड कम हो गया है तो पॉकेट टॉर्च कम प्रोड्यूस हो रहा है। कोई प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका डिमांड नहीं है, तो कोई भी एंटरप्रेनर वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वही प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा जो कि डिमांडिंग में चल रहा है, ठीक है, जो कि लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो कि डिमांड क्या है, लोगों का क्या पसंद है, ठीक है। फर्स्ट है डिमांड, मांग को देखना कि देश की मांग क्या है, आपके लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। सेकेंड क्या है, सप्लाई एंड कंपटीशन, हिंदी है पूर्ति और प्रतियोगिता, दो वर्ड से बना है सेकेंड पॉइंट्स, सप्लाई कंपटीटर्स, पूर्ति प्रतियोगिता। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को जानते हैं, सप्लाई यानी पूर्ति क्या होता है, तो आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, उन चीज़ों की पूर्ति करना ही क्या है, सप्लाई है, ठीक है। अब कस्टमर को जो भी नीड्स है उसको पूर्ति करने के लिए आप क्या करते हो, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, वही क्या हुआ, हाँ, उनकी मांग का पूर्ति करना, आपको कस्टमर क्या चाह रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, वही क्या है, सप्लाई करना। अब सप्लाई दो टाइप्स के होते हैं, एक वो सप्लाई जो आप कस्टमर को दे रहे हो, ऐसा सप्लाई जो आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, वो भी सप्लाई है, एंड वो चीज़ जो आपको चाहिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, उसका सप्लाई भी कहीं से आता है, आप भी कहीं से सप्लाई लेते हो, वो भी सप्लाई है। तो सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेनर या फिर आपका बिजनेस सप्लाई लेता भी है, सप्लाई देता भी है, तो आपको सप्लाई पे ध्यान देना होता है, ठीक है। आप कहाँ से सप्लाई लोगे, आपको अच्छा सप्लाई मिले, आप कैसे लोगों को सप्लाई करोगे, ठीक है। सेकंड क्या है, कंपटीशन, ये वर्ड बार बार आएंगे, बिजनेस स्टडी में भी थे एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी थे, तो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन को हमेशा उससे कंपटीटर्स पे ध्यान देना होता है। अब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। अब अगर आप टी शर्ट पहनते हो, अब टी शर्ट बहुत सारे ब्रांड की टी शर्ट आती हैं, बहुत सारे कंपनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो सारे कंपनीज एक दूसरे के कंपटीटर कहलाएंगे, मतलब एक प्रोड्यूस करने वाली ढेर सारी कंपनियां ही एक दूसरे के कंपटीटर्स होती हैं। तो कंपनियां को यानी बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान में देना होता है कि उसके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ताकि मैं भी प्रॉफिट अर्न कर सकूं। हमेशा आप लोग ये सोचते हो कि मेरा प्रोडक्ट कंपटीटर से ज़्यादा बिके, ठीक है, तो इसके लिए आपको कंपटीटर्स के हर एक स्टेप्स पे ध्यान देना होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ठीक है। सप्लाई एंड कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी उत्पाद की लागत और कीमत। अब कॉस्ट एंड प्रोडक्ट, दो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों वर्ड काफ़ी अलग हैं, फर्स्ट है कॉस्ट एंड सेकेंड है प्रोडक्ट। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना इनपुट लगेगा, जितना लागत लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, हिंदी में लागत, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आप जितने दाम पे बेचोगे, उस दाम, बेचने वाले दाम को क्या बोलते हैं, प्राइस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कीमत, ठीक है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को हमेशा ध्यान देना होता है कि उसका प्रोडक्ट कितने कॉस्ट में लग रहा है, कितने प्राइस पे बिकेगा, यानी जितना उसका कैपिटल है, क्या उसके अनुसार उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि कैपिटल कम लगा रहा है वो, एंड जो प्रोडक्ट उसने चूज की है उसके लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान देना होता है कि प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रहेगा, क्या प्राइस रहेगा। एग्जांपल समझिए, अगर ये आप डिसाइड नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। कोई भी एंटरप्रेन्योर सबसे पहले डिसाइड करता है कि कितना कॉस्ट, कितना प्राइस होगा। एग्जांपल समझिए कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में 3 रुपया लागत लग रहा है, 3 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, एंड उसको आप बेच रहे हो 10 रुपया में, एक बिजनेसमैन उसको 10 रुपये में बेच रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट पे उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 7 रुपया, ठीक है। अब उसके पास 10 कस्टमर आएंगे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 70 रुपीज़।
अब कोई बिजनेस सेकंड बिजनेसमैन है जो कि 3 रुपये का प्रोडक्ट उसका भी लागत है, 3 रुपया उसका भी लागत लग रहा है, बट वो बेच कितना में रहा है, 4 रुपये में। यानी उसको हर एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपया, उससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो सस्ता है। 100 कस्टमर आएंगे तो उसको कितना मिलेगा प्रॉफिट, 100 रुपया डिफरेंस मिला। तो सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन क्या है कि आपको जितना लागत लग रहा है आपके प्रोडक्ट को बनाने में, आपको उत्पादन करने में जितना लागत लग रहा है, उससे थोड़ा ही सा ज़्यादा आपको प्राइस रखना होता है। ये नहीं कि आपने लागत कम पे लगाया एंड प्राइस काफ़ी ज़्यादा पे बेच दिया, ठीक है, ऐसे आपके कस्टमर नहीं आएंगे, सेटिस्फाई भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा ध्यान देना होता है कॉस्ट पे एंड प्राइस पे। ये था थर्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंजेस, तकनीक का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। अब एंटरप्रेन्योर को हमेशा ध्यान में देना होता है कि अभी मार्केट में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, क्या क्या नया नया मशीन आया है, क्या क्या नया नया टूल आया है जिसके हेल्प से वो अपना प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ा दे। अब प्रोडक्टिविटी रेट क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाना मतलब क्या कि आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो एंड आप ज़्यादा अर्निंग करो, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सको। तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए क्या करना होगा, आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा, जब कम समय में ज़्यादा उत्पाद करना होगा। ये कब होगा, जब आप नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे। तो कब यूज़ कर पाओगे, जब आप ध्यान से देखोगे कि कब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ताकि मैं उसी समय तुरंत उसको यूज़ कर लूँ। तो मार्केट में हमेशा ध्यान देना होता है एंटरप्रेन्योर को कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, टूल्स आई हैं, मशीन्स आई हैं, ताकि उसको वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सके। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमने पढ़ लिया मार्केट असेसमेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट हिंदी क्या है, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक। और वो सारे घटक जो कि बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालेंगे, वो सारे फैक्टर्स जो कि मार्केट असेसमेंट पर अफेक्ट डालेंगे, अब हम वो फैक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से घटक प्रभावित करते हैं हमारे बाजार मूल्यांकन को। तो पहला घटक है, पहला फैक्टर्स है माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म वातावरण अफेक्ट डालते हैं, मतलब वैसा एनवायरनमेंट जो कि आपके कस्टमर पर अफेक्ट डाले, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट। एक सेंटेंस में समझिए, आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में कि वैसा एनवायरनमेंट आपके कस्टमर पे प्रभाव डाले, उस एनवायरनमेंट को, उस वातावरण को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म वातावरण, ठीक है। सेकंड क्या है, सप्लायर। अब सप्लायर तो अफेक्ट करेगा ही ना, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उससे पहले आपको बहुत सारी रॉ मटेरियल्स चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल आपको सप्लायर ही प्रोवाइड करवाएगा ना। अगर सप्लायर ही नहीं होगा तो आपके पास रॉ मटेरियल्स आएगा कहाँ से, कच्चे माल कहाँ से आएंगे, कच्चे माल ही नहीं रहेंगे तो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है। तो सप्लायर भी डायरेक्ट अफेक्ट डालते हैं मार्केटिंग असेसमेंट पे। अब क्या है, थर्ड है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब ये वैसे लोग होते हैं जो कि एग्जाम्पल टॉपिक समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लास्ट में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर यानी कंज्यूमर तक पहुंचता है, आपके कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक बेचने तक जो लोग हेल्प करते हैं, सिंपल लैंग्वेज समझिए कि वैसे लोग जो कि आपका माल आपके कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुँचाने में मदद करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं हम, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, बाजार मध्यस्थ। अब वो लोग कौन से होते हैं, सिंपल होलसेलर, रिटेलर, फाइनेंशियल एंड ये लोग तो नहीं हैं, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एंड वित्तीय। आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले कौन लेता है, होलसेलर, होलसेलर से कहाँ जाता है, रिटेलर के पास, ठीक है। अब रिटेलर्स क्या करता है उसको, रिटेलर्स मतलब क्या, छोटे व्यापारी, ठीक है, एंड होलसेलर क्या, जो माल कंपनी से थोक में यानी ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं अपने पास, ठीक है, रिटेलर के पास जाता है, एंड रिटेलर से कहाँ जाता है, कस्टमर के पास यानी या फिर कंज्यूमर के पास, ठीक है। ये लोग हैं जो कि आपका माल जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाने में मदद करते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एंड वित्तीय, मानी अच्छा हाँ सी क्या है, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, मतलब क्या, और फाइनेंशियल में क्या क्या आते हैं, बैंक, जहाँ से आपको इकोनॉमिकली हेल्प मिले, जहाँ से आप पैसा, मतलब सिंपल लाइन में समझिए कि जो पैसों से रिलेटेड काम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। अब आप कैपिटल कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है, तो बैंक हो गए, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, जो कि आप कंपनी को पैसा देती हैं लगाने के लिए। अब क्या है, डी फिजिकल यानी भौतिक। फिजिकल मतलब क्या, अब वो माल को एक जगह रखना और डायरेक्ट कस्टमर तक बेचना ही क्या होता है, फिजिकल,
मैंने लिखा है यहाँ पे गोडाउन, ठीक है, माल कहाँ स्टोर होता है, गोडाउन में, एंड डायरेक्ट बेचा जाता है कस्टमर को। ये हो गया फोर्थ। क्या है? कंपटीटर्स यानी प्रतियोगी। मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट असेसमेंट में, बाजार मूल्यांकन में कंपटीटर्स डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। अब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर से, आपके कंपटीटर से थोड़ा लो हो, तो लोग किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे? आपके कंपटीटर का। तो आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि आपके कंपटीटर आपसे आगे मत निकले, आप कंपटीटर से हमेशा आगे निकलो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कस्टमर यानी ग्राहक। सिंपल लैंग्वेज में अगर ग्राहक ही नहीं होंगे तो आपका सामान खरीदेगा कौन, ठीक है। तो एंड मैं बता दूं कि कस्टमर के बेसिस पे, ग्राहक के बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा कस्टमर के बेसिस पे है, ठीक है। फर्स्ट है कंज्यूमर मार्केट, मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैंने जरूर, ठीक है, कंज्यूमर मार्केट। सेकेंड क्या आता है? इंडस्ट्रियल मार्केट। थर्ड क्या आता है? गवर्नमेंट मार्केट। फोर्थ आता है रिसेलर मार्केट। राइटिंग नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। एंड फिफ्थ आता है, हाँ फिफ्थ कुछ नहीं, इंटरनेशनल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, रिसेलर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ये मार्केट किस पे, किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, किस आधार पे बांटे गए हैं? तो कस्टमर के आधार पे। अब समझिए कंज्यूमर मार्केट मतलब क्या है? आपके कस्टमर, वैसे लोग जो आपका माल डायरेक्ट खरीदते हैं मार्केट से। सेकेंड है इंडस्ट्रियल मार्केट, और वैसी इंडस्ट्री, वैसा फर्म जो कि माल खरीदती हैं आज के यूज़ के लिए नहीं, आगे भविष्य में आने वाली यूजेस के लिए। थर्ड है गवर्नमेंट, अब सरकार के कर्मचारी भी माल खरीदते हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। आप देखते हो ना कि गरीबों तक माल फ्री में पहुंचा जाता है, तो फ्री में माल पहुंचाने से पहले कहीं से खरीदते तो होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट मार्केट भी होता है। अब क्या है? रिसेलर मार्केट, और वैसे लोग, वैसे छोटे छोटे व्यापारी जो कि आपका मार्केट, आपका, आपके इंडस्ट्री से आपका माल खरीदते हैं एंड उसको थोड़े ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एंड लास्ट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और वो कैसे मार्केट? वैसा मार्केट जहाँ कि आपका सामान एक देश से दूसरे देश में जाके बिके, यानी आपके कस्टमर एक देश से ना होकर बहुत सारे देशों से हो, ठीक है। तो कस्टमर के आधार पर भी मार्केट को बांटा गया, मैंने बता दिया आपको। सिक्स क्या है पॉइंट? पब्लिक यानी जनता। जनता भी इफेक्ट डालती हैं मार्केट असेसमेंट को, बाजार मूल्यांकन को। मैंने लिखा है थ्री टाइप्स की जनता को बांटा, पब्लिक को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाइनेंशियल पब्लिक, ठीक है। फाइनेंशियल पब्लिक मतलब क्या? बैंक्स, वैसे संस्था जो कि आपको पैसा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, बैंक आ गए। मीडिया, अब मीडिया मतलब आपको सबको पता है मीडिया मतलब क्या, वहाँ जहाँ पे समाचार बिकता है, तो मीडिया भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। एग्जांपल समझिए, मैगी में लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी, ठीक है। ये समाचार कहाँ ज़्यादा, कहाँ से ज़्यादा फैला? मीडिया के हेल्प से। मीडिया ने सवाल उठाया तो मैगी बंद हो गई, मैगी की कंपनी कुछ समय तक बंद हो गई थी ना, फिर उसने प्रोड्यूस किया अच्छे माल। तो मीडिया भी इफेक्ट डालती है आपके बिजनेस पे, एंड क्या, गवर्नमेंट, तो सरकार तो इफेक्ट डालती है, सबको पता है आपको, ठीक है। ये हो गया टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वहाँ चलते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान। डिमांड फॉरकास्टिंग दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, मैंने लिखा है नीचे डिमांड प्लस फॉरकास्टिंग इक्वल टू डिमांड फॉरकास्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। मांग प्लस पूर्वानुमान इक्वल टू मांग पूर्वानुमान। अब सबसे पहले जानते हैं कि डिमांड क्या होता है। तो वो सारी मांग, वो सारी चीज़ें जो आपके कस्टमर चाहते हैं, जो आपके कस्टमर पसंद करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कस्टमर का डिमांड है वो, ठीक है। अब आप लोग ने कमेंट किया कि मैम आप EPS का वीडियो डालो, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं EPS का वीडियो बनाऊँ, इंडिया प्रदर्शन का वीडियो बनाऊँ। ये क्या होगा? आपका डिमांड, मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स का डिमांड क्या है कि इंडिया प्रदर्शन का वीडियो लाया जाए। तो जो आप चाहते हैं, जो भी कस्टमर चाहते हैं, वही क्या है? आपके कस्टमर का डिमांड है। अब सेकंड क्या है? फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब क्या? आपने वर्ड सुना होगा वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब क्या कि अब कल कैसा वेदर होगा उसके पहले, उसके बारे में पहले ही बता देना, पूर्वानुमान लगाना, कल कैसा तापमान रहेगा उसके बारे में पहले ही फॉरकास्ट कर देना ही क्या कहलाता है वेदर फॉरकास्टिंग। तो अभी हमें वेदर फॉरकास्टिंग ना पढ़ते हुए क्या पढ़ना है? फॉरकास्टिंग मतलब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर देना, प्रिडिक्शन को ही क्या बोलते हैं? फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान, आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में अनुमान लगाना ही क्या होता है? पूर्वानुमान। अब आपके लोग, आपके कस्टमर आगे क्या चाहेंगे, जो एंटरप्रेन्योर है उनको पता चल जाता है कि आपके, आप कस्टमर कल, आने वाले कल में क्या चाहेंगे, आने वाले कल में किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है। तो हाँ, डिमांड फॉरकास्टिंग मतलब कि मांग पूर्वानुमान। अब हमें,
हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फॉरकास्टिंग, कि फैक्टर्स अफेक्टेड, बट अब टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इन्वॉल्व, अंतर दोनों में है, पहला वो घटक जो प्रभावित करे एंड दूसरा वो घटक, फैक्टर्स इन्वॉल्व मतलब वो घटक जो कि उसमें सम्मिलित हैं, तो हमें अफेक्ट यानी प्रभाव डालना नहीं जानना है, अभी क्या जानना है कि वो सारे घटक जो कि सम्मिलित हैं, किसमें सम्मिलित हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग में, तो हिंदी में क्या है कि मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कार्य। फर्स्ट कौन से वो फैक्टर्स हैं, तो टाइम ऑफ फॉरकास्टिंग, टाइम के बेसिस पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हिंदी में अल्पकालीन, मध्यकालीन एंड दीर्घकालीन, मतलब क्या कि वैसा फॉरकास्टिंग जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हो, यानी मतलब अप टू 12 महीने के लिए हो, अप टू 12 मंथ्स, यानी 0 से लेकर 12 मंथ के बीच में जो फॉरकास्टिंग की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉरकास्टिंग। आप शॉर्ट टर्म नहीं लिखोगे, आप शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग लिखोगे, ठीक है, आप केवल अल्पकालीन नहीं लिखोगे, अल्पकालीन पूर्वानुमान लिखोगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, मीडियम टर्म यानी मध्यकालीन पूर्वानुमान, हाँ मीडियम टर्म फॉरकास्टिंग मतलब क्या कि 1 से 2 साल तक, 1 to 2 years। अब लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल आते हैं, कम से कम 10 साल तक, ठीक है, अप टू 10 years, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा 10 साल से कम लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग में आते हैं। अब क्या है लेवल ऑफ फॉरकास्टिंग, ये केवल टाइम का फॉरकास्टिंग का पार्ट था, अब सेकंड पॉइंट क्या है लेवल ऑफ फॉरकास्टिंग, मैं बता दूँ ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बिकॉज ऐसे पॉइंट्स में आप लोगों को बहुत कम जगह ही मिलेंगे। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, लेवल ऑफ फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान के स्तर। अब लेवल ऑफ, लेवल के बेस पे फॉरकास्टिंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले हमने क्या पढ़ा टाइम के बेस पे, अब हम क्या पढ़ेंगे लेवल के बेस पे फॉरकास्टिंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट है माइक्रो लेवल सूक्ष्म स्तर, सेकेंड है फर्म लेवल, ठीक है लेवल है ये, थर्ड है इंडस्ट्री लेवल उद्योग स्तर। अब माइक्रो लेवल में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, कितना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगे, ये सब, ठीक है। फर्म लेवल मतलब सबको पता है कि आपको पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं वो सबको लेकर एक चलना, वो सबको साथ लेकर एक फॉरकास्ट करना ही क्या होता है फर्म लेवल फॉरकास्टिंग। अब है इंडस्ट्री लेवल यानी उद्योग स्तर, इंडस्ट्री मतलब क्या है कि आप पूरे इंडस्ट्री लेवल पर फॉरकास्टिंग जो करोगे, ठीक है, जो कब इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाले, आपका कितना प्राइस रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा, कितना रेट ऑफ चेंज रहेगा, कितना आय, कितना व्यय, ठीक है, ये सब क्या आएगा इंडस्ट्रियल में। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद का वर्गीकरण। अब आपका प्रोडक्ट, आप अपने कौन, अपनी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे ये देखना होगा आपको ना, कि कौन से डिमांडिंग में चल रहा है वही आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, तो हाँ सबसे पहले आप प्रोडक्ट को क्लासिफाई करोगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, कितने प्राइस में बेचोगे, कितना कॉस्ट लगेगा उसको, ये सब कुछ क्या होता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट क्या हमारा है, जनरल और स्पेसिफिक फॉर सामान्य या विशिष्ट पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान के दो पार्ट्स होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, वैसे फॉरकास्टिंग, वैसे पूर्वानुमान जो कि जनरल हैं, सामान्य हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे जनरल फॉरकास्टिंग, जो कि हर एक बिजनेस में होते हैं। अब सारे बिजनेस को ये पता चल गया है आज कि आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग बढ़ेगा, सबको पता है ये क्या है जनरल फॉरकास्टिंग, और स्पेसिफिक फॉरकास्टिंग मतलब क्या, जो कि सबको नहीं पता है, केवल आपने अपने एबिलिटी से वो पता किया है, वो जाना है, उसके बारे में अनुमान लगाया है, उसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक, जो कि सबके लिए सामान्य नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ फॉरकास्टिंग, समस्या एवं विधि। अब आपको ये भी देखना होता है कि फॉरकास्टिंग, अब आपने कल अनुमान लगा दिया कि कल बारिश होगी, ठीक है, तो अगर कल बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो आपको प्रॉब्लम्स को देखकर भी चलना होता है कि ठीक है जो आपने अनुमान लगाया वो सही है, अगर वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आपको ये भी देखना होता है, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखना होता है, एंड मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग, अब आप किस मेथड से पूर्वानुमान लगाओगे, ठीक है, कौन कौन आपका फॉरकास्टिंग करेगा, ऐसा तो नहीं है फॉरकास्टिंग आपको बिजनेस में सबके फॉरकास्टिंग करके चला जाएगा कि हाँ सर मुझे लग रहा है कल ये होगा कल ये होगा, ऐसा नहीं होगा, फॉरकास्टिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि फॉरकास्टिंग करते हैं, तो वो भी आपको चूज़ करना होता है कि कौन लोग फॉरकास्टिंग करेंगे, कैसे फॉरकास्टिंग किया जाएगा, किस बेसिस पे आगे पूर्वानुमान होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक आपका है चैप्टर 3 का, ये कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स,
विपणन मिश्रण की अवधारणा। मैं बता दूं कि लास्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन में, आपके इंटरप्रेन्योरशिप एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे अनुमान है, मैंने फॉरकास्ट किया है, ठीक है। तो हाँ, ये टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अब फर्स्ट वर्ड क्या है, मार्केटिंग मिस्क। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग मिस्क क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मार्केटिंग मिस्क मतलब क्या, कि मार्केटिंग में क्या आता है, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी बिजनेस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से लेकर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचा, कस्टमर ने ख़रीदा, कस्टमर सेटिस्फाई हुए, उसके बीच में जितने स्टेप्स हुए वो सारे स्टेप्स के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिस्क। मतलब क्या है कि मार्केट में जितने काम हो रहे हैं वो सारे काम के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, मार्केट मिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले एंटरप्रेनर मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है कि उसको काम कैसे करना है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, वो क्या कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो स्ट्रेटजी बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, उसके पहले वो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उन्हें किस तरीके से खेलना है ताकि वो जीत सके। सेम एज एंटरप्रेनर भी सोचता है कि वो किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए ताकि वो भी जीत हासिल कर सके। उसके लिए एंटरप्रेनर के लिए जीत क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, उसके कस्टमर तक उसका माल अच्छे से पहुंचे, उसके कस्टमर उसके माल से सेटिस्फाई संतुष्ट हों, ठीक है। तो स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना एंड लास्ट में माल को बेच देना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, द मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड पॉलिसीज डन बाई प्रोड्यूसर फॉर गेटिंग सक्सेस इज नॉन एज मार्केटिंग मिस्क। किस किस चीज़ का मिक्सचर, दो वर्ड लिखा है, फैक्ट्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। फैक्ट्स मतलब क्या, वो सारे तत्व, वो सारी पॉलिसीज जो कि मार्केटिंग में की जाती हैं, मार्केटिंग के समय यूज़ की जाती हैं, वो सारे फैक्ट्स एंड पॉलिसीज को के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिस्क, ठीक है। अब हिंदी में निर्माता द्वारा विपणन में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तथ्यों एवं नीतियों का मिश्रण विपणन मिश्र कहलाता है। मैंने बोला वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि मार्केटिंग मिश्र में क्या क्या आते हैं, तो याद रखिए 4P, 4P हैं, यानी ऐसे चार वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग वर्ड पी से है, तो 4P आते हैं मार्केटिंग मिश्र में। फर्स्ट पी है प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिएगा स्ट्रेटजी बनाते समय कि उसका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट वो बेचेगा, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा करेगा अपने बिजनेस में, ठीक है। वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा, उसके प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होगा, उसके प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा। सेकंड क्या है, प्राइस, वही मैंने जो बोला उसके प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, वो अपना माल कितने कीमत पे बेचेगा। थर्ड क्या है, प्रमोशन। अब उसके जो भी माल हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो भी उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कैसे लोगों को की नज़र में लाएगा, उसको कैसे प्रचार प्रसार करवाएगा, ठीक है। तो प्रमोशन मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करवाना, ठीक है। मतलब क्या, आपने देखा होगा बहुत बार टेलीविज़न में हमेशा एडवर्टाइजमेंट आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो वो क्या है, प्रमोशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। तो प्रमोशन मतलब क्या कि उस माल का प्रचार प्रसार करवाना, उस माल का एडवर्टाइजमेंट करवाना। अब क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, लास्ट ये होता है किसका भी स्टेप, अपने माल को ग्राहकों तक बेच देना, ग्राहक तक पहुंचा देना, आपके ग्राहक सेटिस्फाई हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। ये था चैप्टर थर्ड का सारा टॉपिक्स। मैंने चैप्टर थर्ड इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया एंड मुझे आशा है कि आपको चैप्टर थर्ड समझ में आ गया होगा। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, अगर कोई भी पॉइंट्स याद नहीं हो पा रहे हैं तो बार बार देखिए वीडियो को ताकि याद हो जाए, ठीक है। अब मैं तो ये बोलूँगी कि आज आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, मुझे पता है कि आप फिर भूल जाओगे बिकॉज ये थ्योरी है ये, तो हाँ आशा है चांसेस है भूलने की। तो आप इस वीडियो को वीक में 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाए। एंड ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन आने के पहले शुरू करते हैं इंटरप्रेनरशिप बिजनेस स्टडी, तो वैसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलिए एंड लास्ट में मैं सारे चैप्टर्स का MCQs, सारे चैप्टर्स का सारा क्वेश्चंस लेकर आप तक आऊँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टडी से, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर थर्ड समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी चैप्टर 4th लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।